तो इस एज में अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो ज्यादा चांसेस हैं कि लौट के ना आए, अगर आए तो रिश्ता ना चले। तो ऐसे में भी आपको 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक वेट करना चाहिए। अगर आप वो आशिक हैं जिसका दिल हाल फिलहाल टूटा है और आपके किसी अपने ने आपसे ब्रेकअप करके अपना रास्ता बदल लिया है एंड आप उसके इंतजार में है और ये समझ नहीं पा रहे कि उसका इंतजार कब तक करना चाहिए, कब तक वो इंसान लौट कर आएगा। सो आज मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाली हूँ इस वीडियो में कि आपको मूव ऑन कब करना है और इंतजार कब तक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं डिटॉक्स। देखिए मैं डिटॉक्स फैमिली, ये एक्यूरेट तो मैं नहीं बता सकती कि आपको एक्स का इंतजार कब तक करना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है बहुत सारी चीजों पर। रिश्ता कैसा था, कितना पुराना था, ब्रेकअप क्यों हुआ, कितने टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, रीजन क्या है, रूट प्रॉब्लम क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसको जानने के बाद ही ये कंफर्म बताया जा सकता है कि एक्स कब लौटेगा और कब तक लौटेगा, लौटेगा या नहीं लौटेगा। बट इसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीजें जरूर होती है जो कॉमनली बताई जा सकती है हर ब्रेकअप के बारे में। एंड अगर आप इन चीजों के ऊपर जो मैं बताने वाली हूँ थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको ये आइडिया मोटा मोटा जरूर लग जाएगा कि वो इंसान कब तक आने वाला है, आपको इससे बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। देखिए मैं डिटॉक्स फैमिली, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा अपने रिश्ते में कि ये रिश्ता कितना पुराना था। अगर ये रिश्ता 6 महीने से लेकर मैक्सिमम 1 साल इतना पुराना था, 1 साल से ज्यादा नहीं हुआ था एंड फिर 1 साल के अंदर ही अंदर इस रिश्ते में ब्रेकअप हो गया है, तो यहां पर मान लीजिए कि वो इंसान काफी हद तक लौट के नहीं आने वाला, क्योंकि उसके तरफ से ये प्यार नहीं था, उसके तरफ से ये एक अट्रैक्शन था जिसमें वो खिंचा चला आया एंड धीरे धीरे उसको एहसास हुआ कि ये प्यार नहीं है, उसका अट्रैक्शन खत्म होने लगा और वो ब्रेकअप करके चला गया। एंड इसलिए ही वो लौट कर नहीं आएगा क्योंकि अट्रैक्शन खत्म हो चुका है, प्यार होता तो वापस आता ना। अब यहाँ पर एक चीज और बता दूं, हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि मैम आपको नहीं पता, वो मेरे पीछे इतना पागल था, वो मेरे लिए जीने मरने को तैयार था, वो तो मैंने ये गलती कर दी थी इसलिए छोड़ के चला गया, इस तरह की चीजें आपके मन में आएंगी। बट यकीन मानिए जो 1 साल का प्यार होता है ना, वो शुरुआत ही बहुत गहरे प्यार से होता है, उसमें बहुत पागलपन होता है, सामने वाला आपके लिए बहुत दीवाना होता है, वो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। बट शुरुआत में, प्यार की शुरुआत में ये पागलपन प्यार को नहीं दिखाता, ये अट्रैक्शन को दिखाता है। हो सकता है आपका इस चीज पर बिलीव करना मुश्किल हो बट ऐसा है। तो ये इंसान वापस नहीं आएगा, इसका इंतजार मत कीजिए। दूसरी चीज जो आपको देखनी है, जो समझनी है कि अगर आपका जो रिश्ता है वो 1-2 साल पुराना है एंड आपके पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप करके उसके पास वापस जाने का डिसाइड किया है जो उसका एक्स था, मतलब आपका प्यार ब्रेकअप करके अपने एक्स के पास लौट चुका है एंड वो एक्स वो है जिसके साथ आपका पार्टनर 2-3 साल रिश्ते में रहा है, आपसे ज्यादा उसके साथ रहा है, ऐसे में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि लौट के नहीं आए, क्योंकि आप उसकी जिंदगी में आए हुए दूसरे इंसान थे और आपसे वो इसलिए जुड़ा था क्योंकि पहले प्यार को भूल नहीं पा रहा था, उसको भुलाने के लिए आपसे जुड़ा था, आपसे जुड़कर वो अंदर से हील हो गया, लेकिन इसका जो प्यार था वो उसके लिए बना हुआ था और एट लास्ट जब अंदर से हील हुआ, इसका दुख कम हुआ, इसके एक्स ने इसकी जिंदगी में एंट्री ली, इसको दोबारा उससे प्यार हुआ, वापस चला गया। तो ये इंसान अल्टीमेटली प्यार उसी से करता है, आपके पास नहीं आने वाला, इसके हाई चांसेस है, तो इसका भी इंतजार मत कीजिए। तीसरा, अगर आपका जो प्यार है, आपकी जो गर्लफ्रेंड है, उसकी एज 20-21 साल के आसपास की है और फिर आपका ब्रेकअप हुआ है, तो यहां पर भी चांसेस है कि या तो वो वापस नहीं आएगी एंड अगर आए तो जाने के लिए आएगी, ये प्यार टिकेगा नहीं आपका। तो यहां पर आप इंतजार भी करोगे तो भी फायदा नहीं है, क्योंकि इंतजार करोगे 2 महीने बाद आ जाएगी लेकिन 2 महीने बाद फिर ब्रेकअप होकर चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप मूव ऑन करो। एंड यहाँ एक और चीज मैं मेंशन कर दूं कि मैं किसी के ऊपर यू नो उंगली नहीं उठा रही,
मैं ये नहीं कह रही कि 20-21 साल की लड़कियां बहुत बदतमीज होती हैं या दिल फेक होती हैं या लड़कों का यूज करती है, वो मेरा बिल्कुल भी कहने का मतलब नहीं है। इस एज में प्यार की समझ कम होती है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है लड़कों में भी लड़कियों में भी। और यहाँ पर जो जिनको मैं बच्चा ही कहती हूँ, 20-21 साल में आप लोग बच्चे ही हैं, आपको जैसे छोटी उम्र में हम क्या करते थे, घर घर खेलते थे, इस उम्र में आपको प्यार प्यार खेलने की आदत होती है, समझ नहीं होती। तो इस एज में ज्यादातर केसेस में यही होता है कि एक इंसान आज इसके साथ फिर उसके साथ। प्लीज डोंट माइंड इट, अगर आपकी एज इतनी ही है तो उसको आप पर्सनली अपने ऊपर दिल पे मत लेना बेटा, प्लीज समझने की कोशिश करो, है ना, कि ये आपकी उम्र है जहां पर आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, डिस्ट्रैक्शन है। आज आपको ये पसंद है, कल आपको कोई दूसरी पसंद होगी। तो ये चीजें इस एज में होनी ही होनी है, मैं ये नहीं कह रही सबके साथ बट मैक्सिमम टाइम। तो इस एज में अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और आप लोगों का ब्रेकअप हो गया है तो ज्यादा चांसेस है कि लौट के ना आए, अगर आए तो रिश्ता ना चले। होप मैंने ये क्लियर कर दिया है पॉइंट। अब बात आती है तो किसका इंतजार करें एंड कब तक करें। तो देखिए, इंतजार तब कीजिए और उसका कीजिए जिसके साथ में आपका रिश्ता बहुत पुराना है, 4-5 साल का आपका रिश्ता रहा है फिर जाकर ब्रेकअप हुआ है, तो ये प्यार लौट कर जरूर आएगा। बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत हाई चांसेस है, 100% कुछ नहीं होता बट हाई चांसेस है कि ये इंसान लौट कर जरूर आएगा, क्योंकि 5-6 सालों का रिश्ता बहुत गहरा रिश्ता होता है, बहुत ज्यादा अपनापन होता है उसमें, प्यार बहुत डीप होता है। और इंसान ब्रेकअप के बाद चला भी जाए, वो आपको हेट भी करता हो लेकिन आपके बिना रहने की हिम्मत उसमें नहीं होती, उसको आपकी याद आती ही आती है, वक्त के साथ वो आपकी गलतियों को भूलता है, उसका प्यार उसके ऊपर हावी होता है, वो वापस आता है। एंड हो सकता है ये चीजें होने में 6 महीने से 1 साल लग जाए, तो इतना आप वेट कीजिए। एंड दूसरा, अगर ये ब्रेकअप हुआ है आपकी गलती से एंड आप जानते हैं कि उसकी जिंदगी में आए हुए आप पहले इंसान हैं और आपका रिश्ता भी 1 साल से थोड़ा ज्यादा है, तो भी आपको इंतजार करना चाहिए। इसका रीजन मैं बताती हूँ, क्योंकि जो पहला प्यार होता है ना, थोड़ी मैच्योरिटी के बाद, 22-23 साल से ज्यादा की आपकी उम्र है और पहली बार आप जब किसी से प्यार करते हो तो उसके पीछे एकदम पागल हो जाते हो, बहुत डीप जुड़ जाते हो। एंड अगर उस इंसान की जिंदगी में आए हुए आप पहले इंसान थे तो उसका आपसे कनेक्शन बहुत गहरा होगा, वो आपको याद करेगा ही करेगा, वो मूव ऑन नहीं कर पाएगा ब्रेकअप के बाद, तो यहाँ पर भी चांसेस है कि वापस जरूर आए। तो ऐसे में भी आपको 6 मंथ से लेकर 1 ईयर तक वेट करना चाहिए। ये 5 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं। अब आप देख लीजिए कि आपका रिश्ता कहां पर फिट होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा कि इंतजार करना है या नहीं करना। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी, इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।